Hey guys, welcome back to my channel. This is Navneeta and आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा स्मूथनिंग प्रोसेस. तो वैसे तो मैंने 3 साल पहले एक बार स्मूथनिंग करवाया था तो वो बहुत ही अच्छा हुआ था. यहाँ का जो मैं जहाँ पे रहती हूँ शोधपुर में, वहाँ का एक लोकल सलों है, उसका नाम है हबीब बी. नॉट द प्रॉपर हबीब ब्रांच बट द इसका नाम ही ऐसा है कि हबीब बी. तो मैंने यहाँ पे स्मूथनिंग करवाया था वो भी 3 साल पहले. तो जिस बंदे ने किया था वो बहुत अच्छा था, उसका जो करने का स्टाइल है तो बहुत बहुत अच्छा था. तकरीबन 2 साल तक मेरा बहुत अच्छा रहा, फिर थोड़ा बहुत वो हेयर फॉल का प्रॉब्लम हुआ था पर उसके बाद से काफ़ी ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी कभी मतलब अभी मैंने अभी भी कराया नहीं है तो मैं दिखाऊँगी वो कैसे प्रोसेस करना है. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो हेयर है, आपको किसी को अभी भी लगता है कि मैंने स्मूथिंग करवाया है तो जैसे कि वो अभी नहीं है, मैंने 3 साल पहले करवाया था. तो अभी मैं फिर से आज मैं स्मूथिंग करने जा रही हूँ. तो आज चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे. और मैं इस बार कोई किसी दूसरे में जा रही हूँ, वो भी सूटपुर में ही है पर वो हबीब का एक ब्रांची है जो जावेद हबीब होता है, आपको पता ही होगा. ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है तो ऐसे एक सूटपुर में भी ब्रांच है हबीब का. तो मैं आज वहाँ जाने वाली हूँ तो मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊँगी. तो चलो देखते हैं कैसे होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं, ठीक है. तो हमने घर से ऑटो टोटो लिया है तो यहाँ से लेके एकदम पार्लर तक टोटो लेके ही जाएंगे. तो आपको वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि पार्लर कैसा है, ठीक है. तो चलिए अभी मैं पहुंच चुके हैं. तो ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो हम अभी जाएंगे, ठीक है. आप देख सकते हैं कि हम लोग हबीब में पहुंच चुके हैं, ठीक है. तो अभी हम अंदर में जाएंगे और पूरा व्यू करेंगे, ठीक है. कि आप देख सकते हैं मेरा हेयर वॉश हो चुका है, अभी पता नहीं क्या करने वाले हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा हेयर मास्क और क्रीम जो भी लगाते हैं ये वो कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पे मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ, अभी ये तो मास्क लगा हुआ है तो अभी थोड़ी देर शायद और भी बैठना पड़ेगा फिर वॉश होगा. तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 5 से 6 घंटा लगता है. तो मैं यहाँ पे 1 बजे के आसपास आई हूँ, पता नहीं कब घर जाऊँगी. तो अब आप अगर कभी भी जाओ ये करवाने तो टाइम लेके जाना और अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाना पार्लर के साथ, वरना टाइम का बहुत प्रॉब्लम होता है. देखिए मेरा ऑलमोस्ट स्मूथनिंग होने के हुए. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जिनका मतलब पेशेंस एकदम भी नहीं है वो ट्राई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो और बहुत पेशेंस भी लगता है. तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, तो थोड़ी देर बाद आके देखते हैं, ठीक है. आप
आप देख सकते हैं मेरा हाफ ऑफ द प्रोसेस हो गया है, फिर भी अभी भी बाकी है, अभी भी मार्क्स वगैरह लगेगा। तो अभी भी तकरीबन 2-3 घंटे का काम है। सो देख लीजिए आप लोग, अभी तो हाफ हुआ है, अभी भी काम बाकी है। तो आई थिंक इट्स लुकिंग गुड क्वाइट, आफ्टर रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। ओके, ये सेकेंड टाइम वॉश करने के बाद फिर से मास्क लगाया गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी भी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, पता नहीं कब ख़त्म होगा। फिर से मास्क लगाया हुआ है, फिर 1 घंटा बैठना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर से वॉश होगा। मेरा लास्ट तो ये कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ही हुआ है। तो गाइज, आपको कैसा लगा मेरा ये होल स्मूथनिंग का प्रोसेस? और आई गेस मैंने अपना मतलब जो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कब जाना होता है, टाइम कैसा लगता है, मैंने सब कुछ बोला है। पर कुछ चीज़ें हैं मैं जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जैसे कि पहली तो है कि जब भी आप सोच रहे हो कि आपको स्मूथनिंग करवाना है या स्ट्रेटनिंग करवाना है, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब लॉन्ग टाइम का जो लगता है, अगर ऐसा कुछ करवाने के लिए आप सोच रहे हो, तो पहली बात ये है कि आप जो आपका जो टाइम है, मतलब आपका जो शेड्यूल है, वो पहले से फिक्स करके जाइए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो काम होता है, ऐसे नहीं कि आप फ़ोन करके ऐसे चले गए और बोल दिया कि हाँ मुझे ये करवाना है तो वो लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो 5-6 आवर्स होता है। तो अगर आप सही टाइम पे नहीं जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे जब मतलब मैं जब करवाने जा रही थी, तो वहाँ पे मेरा जो ऑफिस है वो सैटरडे को हाफ होता है। तो मैंने 3 बजे को उनका फ़ोन किया कि मैं अभी जाऊँ, तो उन लोगों ने बोला नहीं मैम अभी नहीं आइए, क्योंकि जो क्लोजिंग टाइम होता है पार्लर का वो था 8 बजे को। अगर मैं 3 बजे तक निकल के जाती तो अराउंड स्टार्ट करते करते 4 बज जाते, और 4 को अगर स्टार्ट भी करते तो वो 8 बजे तक ख़त्म नहीं होता, और जल्दी में बहुत मतलब अच्छा भी नहीं होगा ना ये सब चीज़ें। तो इसीलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप संडे को आइए और संडे को आप टाइम लेके आइए। तो मैं संडे को अराउंड 1 बजे तक गई और निकली वहाँ से अराउंड 6 बजे, 6:30, 7 ऐसा कुछ होगा। तो इसीलिए मैं पहले तो बात है कि आप जो भी पार्लर में जाओगे उसके साथ टाइम फिक्स करके जाना, क्योंकि ये जो होता है ये थोड़ा मतलब वो लोग आपके हिसाब से या अपने हिसाब से वो लोग टाइम एडजस्ट कर लेंगे। पहली बात ये है। सेकंड जो है जो प्राइस, तो मैं प्राइस जो है जो कॉस्ट है मैं वो बताना आपको भूल गई। मुझे लगा है 6.5K। ओके, या मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा है और हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है। मुझे बोला गया था 6.5K पर मैंने थोड़ा वो अंकल वाला ऐसे बिहेव करके मैंने उसको 6 में करवा लिया। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सारे जगह पे सारे पार्लर और सलों में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये पार्लर टू पार्लर वैली करता है। अगर कोई भी पार्लर, जैसे मानो कि कुछ रिनाउंड पार्लर होते हैं, जैसे कि ये हाबी रिनाउंड है, सबको पता है, और मरून है, लैक्मी है, ये सब अगर इसमें जाओगे आप, तो क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा वो नाम के हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर आपको लगता है, ओ देखिए मेरा जो ये गिर गया, ओके, सो जो मैं बोल रही थी, तो जो आपका जो पार्लर होता है, ठीक है, जो आपका पार्लर होता है उसमें पार्लर टू पार्लर वैरी करता है कि आपको, अगर जो लोकल पार्लर्स होते हैं उसमें शायद इतना ज़्यादा नहीं लेता। क्योंकि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स से मैंने बात किया, जिन लोगों ने स्मूथनिंग करवाया है, उन लोगों से शायद 3,000 में भी कहीं कहीं पे हो जाता है और अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब रिनाउंड पे ही जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी अच्छा ही होता है। मैं कभी नहीं गई पर मैं तो करवाई, मैं तो दो ही बार करवाए, तो ऐसा जाने की ज़रूरत हुई नहीं अभी तक। तो अच्छा ही होता है, आप जा सकते हैं अगर करना है तो।
और आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि किसी ने अगर करवाया है उस पार्लर में, उनका हिसाब से उस पार्लर का जो रेटिंग है या फीडबैक है वो कैसा है, वो एक बार देख लीजिए। क्योंकि बालों का मतलब लड़कियों के लिए आई गेस बाल जो होते हैं, मतलब हेयर जो होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ख़राब हो जाएगा तो बहुत मतलब बुरा लगेगा, तो इसीलिए तो ये जो है ये पार्लर टू पार्लर वैरी करता है। ओके, थर्ड थिंग इज़ शैम्पू। तो शैम्पू जो होता है, जिस भी पार्लर में आप जाओगे वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, पर उसको लेना ही है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोल देती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जब 3 साल पहले की थी, तो वहाँ से पार्लर से मुझे प्रोडक्ट्स दिया गया था, तो वो अराउंड मेरे बजट के अंदर था तो मैं ले ली थी। पर नेक्स्ट टाइम से मैंने वहाँ से नहीं ली, मैं बाहर के लोकल मार्केट से वो खरीद ली थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मैंने शैम्पू चेंज भी की थी बीच में। और इस बार क्या हुआ, इस बार जब मैं निकल रही थी तो वो लोग, उन लोगों ने भी मुझे दोनों पैकेज दिया। ठीक है, तीन प्रोडक्ट्स होते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स का एक एक पैकेज मुझे दिया, जिसका मतलब जो प्राइस था बहुत ज़्यादा हाई था, अराउंड 2.5 का जो होता है, 2500 तो जो है उसका तीन प्रोडक्ट्स, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अभी लाइन लेना, मैं बाहर लोकल मार्केट से जो प्रोडक्ट्स हैं मैं ले लूँगी, जो मैं यूज़ करती थी। तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगी कि मेरा जो आफ्टर स्मूथनिंग मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे कोशिश करती हूँ मेरे बालों का ख्याल रखने के लिए। तो ये जो है मतलब ये जो चीज़ें हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि आपका जो ये जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जो जो आपको लगाना होता है वो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके मतलब पार्लर से ही लेना होगा। पर कुछ पार्लर्स होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं नहीं इधर से ही ले लो, इधर से ही ले लो, पर नहीं है ज़रूरी, क्योंकि आपका आपको चलाना है ना। और क्या होता है कि अभी जो हम लोग, मतलब मैं तो कोलकाता में रहती हूँ, तो कोलकाता का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा मतलब, और मैं बहुत स्वेट करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर शैम्पू करना है तो शैम्पू मतलब सोच लीजिए कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार तो करना ही है। तो अगर ऐसा है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर प्रोडक्ट्स हो। हाँ, मान लेते हैं कि उसका थोड़ा बहुत अच्छा होता है, पर फिर भी। तो ये था पहली बात, मतलब तीसरी बात। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप पार्लर में जाओगे, या पहले तो है फिक पार्लर से अपॉइंट फिक्स करना, फिर है टाइम का बात, अगर टाइम हो तभी जाइए, हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम लेके आपको जाना होगा। और सेकंड है मेंटेन का बात, प्राइस का बात, मैंने सब कुछ आपको कवर कर दिया है। और जो प्रोडक्ट्स है मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पर ना ये जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे दो पहले भी दोनों मैंने वीडियो डाले हैं, जितना भी लोगों ने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, कि एटलीस्ट वो क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेट होती हूँ कि हाँ ठीक है जी, 30, 40, 50 जो भी लोग देख रहे हैं वो देख तो रहे हैं ना इसके, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगी। और प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। थैंक यू गाइज, लव यू।